हरियाणा के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ते नजर आए। अमित शाह ने आज झज्जर करनाल हिसार में जनसभाएं की, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा जुबानी वार करते हुए कहा कि हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और साथ ही कहा कांग्रेस ने अपने शासन में हजारों करोड़ के घोटाले किए, सेना किसान और खेलों को कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया। रोहतक सिरसा से सीएम बनाए जाते थे लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा का विकास करवाया। सीएम सैनी की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वभाव से विनम्र हैं लेकिन वो काम के लिए अड़ जाते हैं, काम के लिए पीछे नहीं हटते, कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम सैनी की विनम्रता के मुरीद अमित शाह नजर आए, तो साथ ही विरोधियों पर भी एक के बाद एक जमकर जुबानी वार छोड़ी। तो आज हरियाणा के चुनावी रण में दहाड़ते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तीन जनसभाएं आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, करनाल, झज्जर, हिसार में चुनावी जनसभाएं की, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, वोट की अपील की अमित शाह ने। यहां से विरोधियों पर एक के बाद एक बड़े जुबानी हमले किए, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की, कहा कि सभी का एक साथ विकास करवाया, पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया जब वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी विनम्रता के कायल नजर आए अमित शाह। इसके अलावा पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाने साधे, कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के शासन में हजारों करोड़ के घोटाले हुए, सेना किसान और खेलों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। रोहतक सिरसा से पहले सीएम बनाए जाते थे लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल को कमान सौंपी, जिन्होंने पूरे हरियाणा का विकास करवाया। कांग्रेस पर एक बार फिर से करप्शन के बहाने बड़ा जुबानी हमला किया अमित शाह ने। चुनावी रण में बड़े दिग्गजों पर दांव खेला गया है, बेहद दिलचस्प मुकाबला। जैसे ही मौसम में पारा बढ़ रहा है वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है, दिलचस्प होता जा रहा है हरियाणा का चुनावी रण। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, 11 सीटें जीतेंगे। करनाल विधानसभा उपचुनाव में भी कमल खिलेगा, दिग्गजों को चुनाव प्रचार की कमान अब सौंप दी गई है। सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, भाई सैनी। और करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों, आपका विधायक ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर बोफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। भाइयों बहनों, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं।
अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ, केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र हरियाणा में बीजेपी के एक और दिग्गज ने आज चुनाव प्रचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा के चुनावी रण में दहाड़ते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने सिरसा में अशोक तंवर के चुनाव प्रचार किया और कहा कि देश में मोदी की सुनामी है। मन से योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे, कहा कि कांग्रेस को सत्ता की इतनी जल्दी थी कि वो करतारपुर साहिब को ही भूल गई। समय वो सुनामी बन चुकी है, मोदी की सुनामी पूरे देश के अंदर, और एक ही स्वर गूंज रहा है, चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो बहन और भाइयों, कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, और चक्कर इसलिए आने लगता है क्योंकि 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। अयोध्या में रामलला आ गए और कांग्रेस को तो सत्ता की इतनी जल्दी थी कि करतारपुर साहब को ये भूल गई थी। और तो मोदी जी आए, तो मोदी जी ने आने के बाद करतारपुर कर कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव की पावन धरा को भी भारत का हिस्सा बनाने का कार्य आगे बढ़ाया, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस की गारंटियों के जरिए अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। कहा कि गरीबों को 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन दिया जाएगा कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। दावा किया गया कि देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहीं विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। 22 मई को राहुल गांधी भी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। पर हमारे अध्यक्ष ने कहा 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे भाई, तो ये सब देंगे भाई। अगर तुमने अपनी सरकार बनानी है कांग्रेस की, तो एक बात मेरी मानो कि यहाँ से ब्रह्मचारी जी को लाखों वोट से जिता दो भाई, तुम लाखों वोट से जिता दोगे, सारी बात मैं मान लूंगा, सारी सरकार में बना दूंगा और सारे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।